में एक व्यक्ति ऐसा बताए जो टेंशन में नहीं है। स्टूडेंट है, पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई पूरी होगी जॉब की टेंशन, जॉब लग गया तो टेंशन, नहीं लगा तो टेंशन। दुकानदार है, ग्राहक नहीं आ रहे तो टेंशन, एक साथ इकट्ठे आ गए तो टेंशन। किसान है, बारिश नहीं हुई तो टेंशन, इकट्ठी हो गई तो टेंशन। आप बताओ कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति इन टेक्निकल को छोड़ के? सिर्फ एक टेक्निकल अचीवर ऐसा है जो टेंशन में नहीं है, घोड़े बेच के सोता है। आपके देवघर में सोने के पहले रात को ताला लगाते हैं घर में? लगाते हैं। क्यों? चोरी ना हो जाए, इसीलिए ताला लगाते हैं। ये टेक्निकल अचीवर नहीं लगाते ताला घर का, याद आ गया तो लगा देते, ज्यादा सीरियस नहीं है। क्यों नहीं लगाते? इनको पता है क्या ले जाएगा चोर, और ले भी गया तो अगले महीने आरसीएम से फिर आ जाएगा। क्या घर से लगाया जो चला गया? गीता जी वाला संदेश क्या लाए थे? क्या लेके जाओगे? क्या पाया जो खो दिया? क्या लगाया आपने आरसीएम में जो खो दोगे? लेकिन आज तक आरसीएम वाले के घर चोरी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। पता है क्यों? चोरी भेद से होता है। आदमी पहले उसके बारे में पता लगाता है, ये घर में कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन कब तक जागता है, कब सोता है। तो जब वो इसका पता लगाता है तो इसके घर पता है चोर क्यों नहीं आता? उसको एक ही बात का टेंशन होता है, जाग गया तो प्लान दिखाएगा। बोले जब ये घर वालों को नहीं छोड़ता, ये घर में आए मैं तो छोड़ देगा। तो जीना चाहते हो ऐसी लाइफ? टेंशन फ्री लाइफ, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम चाहते हो? क्या करना है? पहला, जितने भी लोगों को आप फरवरी में भीलवाड़ा दिखा सकते हो, जितनी संख्या आप ज्यादा कर सकते हो, उतनी ज्यादा अच्छी लाइफ आरसीएम में टेक्निकल की जी सकते हो, बहुत जल्दी जी सकते हो। दिखाना क्यों? आप कहोगे सर मीटिंग सुन ली ना, देखने और सुनने में धरती आसमान का अंतर है। आपने कभी 5-7 साल पहले या रोज पेपरों में पढ़ते हो, एक बस आ रही थी, एक इधर से कार आ रही थी, दोनों आपस में टकराए और उसमें 5 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए और खिड़की काट काट के उन लोगों को निकाला गया, ऐसा पढ़ते हो कई बार? 5 साल पहले जो घटना पड़ी थी याद है आज? नहीं। क्यों? पढ़ी थी। पर आप किसी चौराहे पे जाओ और आपके सामने बस आए, भगवान ना करे कोई कार उससे टकराए, 5 लोग ऑन द स्पॉट मर जाए, चिल्ला रहे हैं, आप खिड़कियां तोड़ रहे हो, निकाल रहे हो, उस घटना को आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। वो ही घटना फरवरी में भीलवाड़ा होने जा रही है। उस घटना को जो देख आया उसको आरसीएम में बड़ी पिन आने से दुनिया रोक नहीं सकती। वो घटना होने जा रही है। तो चाहते हो ऐसा जीवन? क्या करना है समझे? अच्छा 10-12 मिनट बात कर सकते हैं? देखो भारत का समझदार आदमी वही है जितना खर्च किया उसको वसूल करो। नियम तो यही बनता है, तो इतना तो वसूल करो, 150 तो करें 10 मिनट। तो चाहते हैं टेक्निकल जैसी लाइफ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम? आप भी बनाना चाहते हैं 32,500 स्क्वायर फीट में घर? आप भी चाहते हैं 50 लाख की कार घर में लाना? तो क्या करना है समझ ले? पहला डिसीजन ले, किसका? खुद का। पहला डिसीजन खुद का। जिंदगी में मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से सुनना 5-10 मिनट। जब भी कोई काम स्टार्ट करो दुनिया का, आरसीएम नहीं, अकेले रूम में बैठ के दिल को पूछो, जो काम मैं करना जा रहा हूं इससे मेरा फायदा है या नहीं? दूसरा पूछो, जिस काम को मैं करने जा रहा हूं इसकी वजह से लोगों का फायदा है या नहीं? दिल कहे काम में तेरे को फायदा है, लोगों का नुकसान है, उस काम को कभी मत करना। दिल कहे
तेरा कुछ नहीं मिलेगा, लोगों को फायदा है तो भी करने का क्या मतलब है जब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दिल कहे तेरा फायदा है, तेरे से ज्यादा लोगों का फायदा है, उस काम को दुनिया मना करे कभी रोकना मत। लेकिन डिसीजन खुद का। हम क्या करते हैं, बाहर जाके पूछे, मैं कॉमन सेंस की बात पूछता हूं, आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना हो तो आपको टीचर से मिलना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आप मेरे को राय दो। किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर। ये जानते हो इतनी बात? सभी जानते हो? आपको टीचर बनना हो तो किससे मिलना चाहिए? टीचर। जानते हो ना इतनी बात? अब आरसीएम में अमीर बनना है तो किससे मिलना चाहिए? ये अगली रो में जितने अमीर लोग बैठे, और हम यही गलती करते हैं, इन अमीरों से आरसीएम समझ के जाते हैं। बाहर एक रिक्शा वाले को कहते हैं, मैंने आज मीटिंग सुनी, गजब का बिजनेस है, कर लूं क्या? वो कहता है पागल है, रिक्शा चला बहुत स्कोप है। उसकी गलती नहीं है क्योंकि वो रिक्शा चलाना चाहता है। किससे मिलने, सुन किससे रहे? मेरे को आज भी वो 2007 की घटना याद है। पटना में मेरा प्रोग्राम था, दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी, तो मैं एक वीडियो देख रहा था आरसीएम की, तो मेरे पास में एक इंजीनियर साहब बैठे थे, देखते वीडियो बड़े एक्साइटेड हुए, पता क्या बोलते, राम सीएम देख रहे हो क्या? है क्या? अब कह क्या रहे वो राम सीएम। अब इस आदमी से कहो तू आरसीएम समझा, क्या दिखाएगा जिसको इसकी स्पेलिंग याद नहीं है? तो मैंने कहा आप जानते हो इनको? हाँ अच्छी तरह, आपसे ज्यादा जानता हूं। कैसे? मेरा दोस्त है इंजीनियर, रॉयल्टी अचीवर है। मैंने कहा आप? मैंने नहीं किया, कई बार आया मेरे पास। मैंने कहा अच्छा किया, नहीं किया? बोले क्यों? मैंने कहा हम राम सीएम नहीं, हम भोले शंकर देख रहे हैं। किससे मिल रहे? ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूं? हम ज्यादातर अपने मिलने वालों से राय लेते। मैंने ली, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं हमेशा। सबसे पहला फोन मैंने मेरी मां को लगाया, मां मेरी यूपी, मैं एमपी। मैंने मेरी मां को कहा मां मैं जॉब छोड़ रहा हूं। क्या रिएक्शन होगा मां? पागल हो गया तू? तेरे को जॉब के लिए भेजा और जॉब छोड़ रहा है? मां मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं। मां का अगला रिएक्शन, पैसे कहां से आए तेरे पास बिजनेस के लिए? कोई ना कोई गलत काम करने लगा आजकल तू। नहीं मां, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगाना, बहुत पैसा आएगा, हमें तुम्हें नहीं पड़ोसियों को आएगा, गांव को आएगा, समाज को आएगा, देश को आएगा, जिंदगी बदल जाएगी सबकी। अगला रिएक्शन, बेटा कैसी बहकी बहकी बातें करता है तू, तेरे को किसी ने जादू टोना करा दिया बेटा, मैं तेरे छोटे भाई को भेजती हूं, तेरे को लेकर आएगा, तेरा इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएगा तो वापस छोड़ेंगे, नहीं तू हमारे साथ गांव में रह। ओके मां। अगला फोन लगाया मैंने मेरे छोटे भाई को जो दिल्ली रेलवे पुलिस में, और हमारे परिवार में सबसे पढ़ा लिखा वही है। मैंने उसको कहा भाई कब तक स्टेशन पे डंडा लेके घूमता रहेगा, ये जिंदगी है तेरी? अरे ताल कटोरा स्टेडियम में जा, एक प्रोग्राम हो रहा है, जिंदगी बदल जाएगी तेरी, मेरी, गांव की, समाज की, देश की। तो उसका जवाब था भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग ऐसा ही करते हैं। ये सगे भाई का रिएक्शन है। अब तीसरा फोन किसको लगाएं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरसीएम के प्लेटफार्म से अलग हटके, आपको कोई फैक्ट्री खोलनी हो, कोई बड़ा काम करना हो, किससे राय लेते हो? जो आपकी रिश्तेदारी में सबसे सक्सेस आदमी है। आप पूछते हो इनको अनुभव ज्यादा होगा सक्सेस में, इनसे पूछ लो मैं ये काम करूं या ना करूं। तो मैंने तीसरा फोन लगाया मेरे फूफा जी को, जो पुलिस में लगे डीआईजी रैंक से रिटायर्ड हुए लखनऊ से, और हमारे रिश्तेदारियों में सबसे सक्सेसफुल माना जाता था उनको। उनके दो बेटे हैं, दोनों अमेरिका में, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। तो जब मैंने उनको फोन किया मैंने कहा फूफा जी एक ऐसा काम मैंने सोचा है, मैं करने जा रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को पुलिस स्टाइल में बात की, यू नो पुलिस स्टाइल, वो भी यूपी का पुलिस वाला भी कहां था, पुलिस स्टाइल समझते हो?
पुलिस स्टाइल का मतलब है जो गालियां आज तक आपने नहीं सुनी वो उनको याद होती है। मतलब अगर एक अच्छा आपको तो अनुभव होगा परिवार में कई हैं, सुबोध जी के तो ब्रदर हैं पुलिस में, डीएसपी हैं शायद, एक और भी दरोगा जी भी हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं गालियों का अपर वर्जन जो उनको पता होता है। तो उन्होंने 3 मिनट तक वो सुनाई मेरे को, क्या अपर वर्जन। अब क्या क्या सुनाया ये तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, ये महिलाएं बैठी हैं, पर एक लाइन में मैं बताऊं उससे आप समझ जाओगे क्या सुनाया होगा। 3 मिनट तक मैंने उनसे फोन पे बात की और 3 मिनट के बाद से मेरा ये वाला कान कम सुनता है। अब आप समझ गए उन्होंने क्या क्या कहा हो। उसके बाद मैंने मोबाइल से सिम निकाली, उस सिम के 3 टुकड़े किए, कितने, क्योंकि 3 लोगों से बात की, डस्टबिन में डाली और मैं उदास हो गया। मैंने कहा दिनेश काम ठीक नहीं है, मदर विरोध में है, भाई विरोध में है, उपाजी विरोध में, फिर समझाएंगे किसको। मेरे दिल ने मेरे से पूछा तू पागल है, मैंने कहा क्यों, अरे तेरे को करना है तो कर, नहीं करना मत कर, फोन क्यों करता है, तू अपने आप से पूछ किस काम को मैं कर रहा हूं ये सही है कि नहीं, मेरी जिंदगी बदलेगी मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बदलेगी, अगर काम सही है तो तू फोन मत कर, भले मत कर लेकिन अब किसी को फोन मत कर, और यहां तक कि मेरे दिल ने कहा तेरी पत्नी से भी मत पूछना, और नहीं पूछा मैंने। मैंने आरसीएम शुरू किया, और मैं आज ये ईगो में नहीं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मेरे इस दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं, भारत में नहीं दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब में सबसे अमीर आदमी आज मैं हूं। तो आज के बाद डिसीजन किसका लोगे, खुद का, खुद का। नहीं करना तो भी लो, नहीं करना तो अब आना ही नहीं मीटिंग में, नहीं करना आरसीएम से बंद करो, करना है तो दुनिया भी मना करे फिर रुकना मत, डिसीजन अपना, क्लियर है। सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको किस पर, उस पर। पहला कि मेरी अप्लाइंग साथ दे या ना दे मैं स्टार मूवी बनूंगा, मेरी लाइफलाइन ये साथ दे ना दे मैं दूसरे प्रदेश में करूंगा मैं बनूंगा। दूसरा विश्वास इस सिस्टम पर, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है मेरी भी बदलेगा। तीसरा विश्वास उस पर, जितने लोगों को बुलाया था आए सब, क्यों नहीं आए, उसकी बगैर मर्जी के इस दुनिया में पत्ता नहीं हिलता। वो जिनको अमीर नहीं बनाना चाहता था उनको नहीं बुलाया उसने। और अगर आप यहां आए हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक पिता कभी चाहता है मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए? जब एक पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए वो तो परम पिता है, उसने अगर यहां बुलाया इस एग्जाम में पास होने के लिए बुलाया। तो तीसरा विश्वास उस परम पिता पर, और चौथा विश्वास आखिरी अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लाइंग पर। जो दिन रात आपके बारे में सोचती है कि मेरे इस व्यक्ति के कितने लोग भीलवाड़ा जाएंगे, मेरे इस व्यक्ति की कब कार आएगी, मेरा इस लाइफलाइन का कब घर बनेगा, जो दिन रात चिंता में है उस पर करना। क्योंकि दुनिया में 2 अपलाइन है जो कभी आपका बुरा नहीं सोच सकती, ध्यान से सुनना, एक तो आपकी जिंदगी की पहली अपलाइन आपकी मां, और दूसरी अपलाइन इस सिस्टम की, ये कभी बुरा नहीं सोचते। और मेरे को बड़ा दुख होता है जब से आप इस दुनिया में आए, जहां तक आए हो इस विश्वास की तो बड़े हुए हो, yes. और जिस सिस्टम से आपकी जिंदगी बदल सकती है उस पर आपको विश्वास नहीं। आपने होश संभाला, आपकी मां ने आपको क्या कहा, बेटा ये मामा है तुम्हारे, तो क्या बोले आप, मामा, ओके मामा। कुछ दिन बाद आपकी मां ने कहा बेटा ये चाचा है तुम्हारे, क्या बोला आपने, क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है ये जो मेरी अप्लाइन है ये मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, ये जो बता रही है वो सब सत्य है। फिर कुछ बड़े हुए, फिर आपको कहा बेटा ये नानी है तुम्हारी,
आसमान। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर आपको कहा गया, बेटा पापा सिर्फ यही है। हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी अपनी मां से कहा, मां मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है? कहा कभी? क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको पता है ये मेरी जो अपलाइन है ये मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकती। और मैं इसीलिए कहता हूं, RCM जैसी बहुत कंपनियां होंगी दुनिया में, दुनिया की भारत में है, मैं उन कंपनियों के ना विरोध में हूं ना मैं नाम लेना चाहता हूं, पर मैं RCM और उन कंपनियों का एक राज बताना चाहता हूं आपको। RCM में जब तक आप अपनी टीम के 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। RCM में जब तक अपनी टीम के 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। और बाकी कंपनियों में जब तक 10 लोगों का घर बिकवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। अब आपकी अपलाइन को घर बनाना है तो पहले आपका बनवाना पड़ेगा। तो फिर उसमें डाउट किस बात का? वो कह रही है भीलवाड़ा चलो फरवरी में। वो इसलिए भीलवाड़ा ले जाना चाहती है, वो आपका 1 करोड़ का बंगला बनवाना चाहती है, इसलिए वो कह रही है भीलवाड़ा चलो। तो कर सकते हैं विश्वास। और लास्ट, पेशेंस, धैर्य चाहिए इस बिजनेस में। कितने टाइम का? 5 साल का। 5 साल क्यों चाहिए? प्राकृतिक से सीखो। जब आप एक बीज बोते हो, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, टहनियां आती हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आता है। ऐसा कोई सिस्टम है? बीज वो खींच के फल निकाल दो। और हम में पेशेंस नहीं है। अभी आप देखना, यहां से बाहर निकलोगे ना, कुछ लोग मिलेंगे, RCM कर रहे हो क्या? हाँ, RCM कर रहे हैं। बड़ा धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। बोले कैसे चलता है? आओ जाओ। बोले जाओ, आओ जाओ, और कहाँ जाओ, जाओ। ये हाइब्रिड पौधा है, ये नेचुरल पौधा है। या बुजुर्ग बैठे हैं, आज के 30 साल पहले किसी ने सुना है कोई हाइब्रिड पौधा भी होता है? No. और आज एक आम वो है जो 5 साल में बड़ा होता है, और एक आम आज वो आने लगे जो इतने बड़े पे फल आ जाते हैं, वो हाइब्रिड है। और लोग पूछते हैं, अरे यार इतने पेड़ पे आम आ गए। हाँ आ गए, ये हाइब्रिड है। कब तक आएंगे? बोले ये गारंटी नहीं, जब तक आ रहे खा ले। ये जैसे जल्दी बड़ा हुआ है वैसे ये खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल पौधा है, इसको दुनिया का तूफान नहीं हिला सकता।